हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11T 5G के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ़ या ऑन करनी हो तो कैसे कर सकती हैं। आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आती है, उन्हें आप ऑफ़ कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकती हैं, तो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकती हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो में नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग करने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आपको ऊपर नोटिफिकेशन देखने मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन में आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन शो हो जाती हैं, यहाँ से देखने मिल जाती हैं ये वाली। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लोटिंग पे ऐसी हो जाती हैं और बजट में ऐसी। अगर आपको लॉक स्क्रीन के बाद नोटिफिकेशन ऑफ करनी चाहिए जो आपको शो नहीं होनी चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो भी एप्लीकेशन है जिसकी जैसे आपको मान लो हमें इसकी गूगल प्ले की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो सिंपली आपको इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे तो अब इसकी आपकी नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके लिए। अदर किसी एप्लीकेशन है जैसे यहाँ सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, जैसे आपको जिसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा आती है जैसे आपको क्रोम को नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आपके लिए तो सिंपली आप इसे ऑफ कर देंगे। आपके फ़ोन के अंदर अब क्रोम की नोटिफिकेशन नहीं आएगी यहाँ से कोई भी फीचर में, और जिनकी आपको चाहिए तो उनकी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इनेबल कर सकते हैं जैसे हमारा मैप के है, अगर आपको जिसकी यहाँ से चाहिए लिंक्डइन तो सिंपली आप इसे इनेबल कर देंगे और ऑफ़ करा देंगे जिसकी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं, और जिसकी आपको चाहिए उन्हें ऑन कर सकते हैं, जिसकी नहीं चाहिए उसे आप ऑफ करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।